सब्सक्राइब कीजिए टेक मोरालाइजर चैनल को और ऑल वाला बेल आइकन को दबा दीजिए मेरे चैनल का आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड, दिस इज श्रीकांत राणा एंड यू आर वाचिंग टेक मोरालाइजर। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो पिक्सआर्ट में छोटा सा एक फिल्टर आया है जो कि हमारा बटर वाला फिल्टर। तो दोस्तों उसको क्या जो नया फिल्टर अभी नया नया अपडेट आया है पिक्सआर्ट में जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो दोस्तों मैं आपको उसका जो छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ जो वीडियो की मेरा जो है आज जो 2 से 3 मिनट वीडियो की मैं आज बनाने वाला हूँ कोशिश करूंगा। तो ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट एनी सिंगल सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देखिए, आपको पहले वो फोटो ओपन कर देना है जिस फोटो पर आपको एडिटिंग करना है। मैं वो फोटो ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ और हमको अभी क्या करना है कि नेट ऑन कर देना है, क्योंकि बगैर नेट ऑन किए हम जो है पिक्सआर्ट में एडिटिंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमारा नेट ऑन जरूरी है। तो उसके बाद हमको क्या करना है कि नीचे जो दिख रहा है शेयर वाला बटन, तो हमको शेयर वाला बटन में प्रेस करना है दोस्तों। तो उसके बाद डायरेक्ट जो है शेयर ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद इधर हमको पिक्सआर्ट में क्लिक करना है। पिक्सआर्ट में क्लिक करने के बाद सीधा हमको जो है हमारा फोटो को पिक्सआर्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके पिक्सआर्ट पेज में पेज पे ले आएगा दोस्तों। तो उसके बाद हमारा जो फोटो है कुछ ऐसा दिखाई देगा पिक्सआर्ट के अंदर। तो उसके बाद हमको क्या करना है कि नीचे जो इफेक्ट इफेक्ट दिख रहा है आपको उसका ऊपर क्लिक करना है, वो इफेक्ट डालने के लिए बटर वाला इफेक्ट। तो उसको क्लिक करने के बाद हमको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक है OCP, एक है Sketch 1। Sketch 1 जो है अभी नया अपडेट आया है, हमको Sketch 1 ऊपर अभी क्लिक कर देना है दोस्तों। तो Sketch 1 का ऊपर हमें पहले क्लिक करने के बाद हमारा जो बॉर्डर है क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक ऐसा व्हाइट वाला बॉर्डर। तो उसके बाद हमको क्या करना है कि सिंपली राइट की तरफ टिक कर देना है ऊपर तरफ। तो उसके बाद हमारा जो फोटो है अभी प्रिपेयर हो गया है दोस्तों, कंप्लीट हो गया है, ऐसा छोटा सा एडिटिंग था दोस्तों। तो उसके बाद हमको क्या करना है कि इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हमको पहले जाना है ड्रॉ पर। तो ड्रॉ पर जाने के लिए हमको उसके बाद ऊपर दिखाई देगा 3 डॉट, जो 3 डॉट को हमको क्लिक करने के बाद कुछ सेव इमेज और ये सब वाला पेज देखा देगा, हमको कर देना है सेव इमेज। तो उसके बाद आप चाहे तो इसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इधर भी चाहे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। आपको फोटो एक्सपोर्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसा वाला वीडियो अगर मेरे चैनल में आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपको जो कमेंट है मेरे को बहुत मोटिवेट और इंस्पायर करता है, क्योंकि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे चैनल में। तो मेरे चैनल के एक व्यूअर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।